अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों खुश रहें और मस्तियाँ करें। और आज मैंने नेट फिट कर दिए, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल पे वीडियो को लाइक शेयर प्यारे पे रिकमेंड। मैं कह रहा था कि करने करने करने, तो आज इंशाल्लाह वो हो ही गया है अल्लाह के हुक्म से। बस थोड़ा सा रह गया है, लाइट चली गई है ना, इसलिए काम रुक गया। बाकी ये वाली साइड मुकम्मल हो गई है पीछे तक, ठीक है, यहाँ से मुकम्मल होगी। मैं आपको समझाता भी हूँ कैसे लगाया है। ये साइड मुकम्मल हो गई है, वहाँ नीचे नीचे से भी लगा दिया मैंने। ये वाले जो कर रहा था ना, मैं यहाँ पर ड्रिल कर रहा था। हाँ, जो मैं ड्रिल कर रहा था ना, यार ड्रिल यहाँ हो नहीं रही थी, तो नहीं क्या मसला था। फिर लाइट भी चली गई जिसकी वजह से ड्रिल नहीं कर सका मैं। जैसी लाइट आएगी इंशाल्लाह यहाँ ड्रिल करके इसे फिट कर देंगे। और दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से फिट किया नेट को। ये देखें, ये वाले जो पेच होते हैं ना, ये दीवार के अंदर लगाए हैं, जिससे ना नेट बिल्कुल ना आप खाएं, ये निकलेंगे भी नहीं, बहुत ही ना अच्छे होते हैं पेच, और ये खुल भी जाते हैं। और ये नेट यहाँ तक लग गया माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं। ये इस डंडे के साथ मैंने ला के इस तरह बांध दिए थे, ऊपर से ये रस्सी वगैरह बांधी हुई है मैंने, ये देख सकते हैं आप। और नीचे से भी बिल्कुल बंद है। और इस साइड पे मैंने मजबूती के लिए, यानी कि कवर करने के लिए तार बांध दिए, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। और ऊपर भी मैंने ये इस पेज का इस्तेमाल किया, ठीक है। नीचे जो किया वो ज़मीन के अंदर हो गया पेज, मैं आपको दिखा सकूँ शायद, ये देखें ये इधर शायद ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ना नेट लग गया, जैसा ही ये लाइट आएगी ना इसे मुकम्मल कर लेंगे। और आज के दिन नेट मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। दोस्तों पीछे वाली जगह इतनी प्यारी लग रही है, नेट फिट हुआ हुआ है। और कल यहाँ हल चला देंगे इंशाल्लाह, और उससे अगले दिन यहाँ पर गोबर ला के डालेंगे, जिससे जरखेज़ी बढ़ेगी, ठीक है। गाय भैंसों की गोबर होती है ना, वो ला के डालेंगे ना, उससे इस जगह की जरखेज़ी बढ़ेगी और फिर यहाँ पर ना फसल ना अच्छी होगी, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गया है, बस आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, जैसे अल्लाह चाहेगा वैसा होगा। मुर्गियाँ वगैरह भी फिर रही हैं, मुर्गियाँ अब उधर नहीं जा सकती बेचारी, मुर्गी से बहुत बुरा हो गया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेचारी परेशान भी हैं, देख भी रही हैं इस जगह को। और माशाल्लाह से क्वेल्स वगैरह बैठे हुए हैं मज़े से। अब मुर्गियों का ना जाल से तो वैसे मुर्गियाँ डरती हैं बहुत, और उधर जा भी नहीं रही अब। और इसके अलावा मस्कवी ने इधर खड्डा किया आज, इंशाल्लाह कल परसों ये भी अंडा दे देगी इस जगह पे। इसने ना यहाँ पर अंडे बनाने की, अंडे देने की लेन की जगह बनाई, यानी कि जहाँ इसने एग देना ना उसकी जगह बनाई है। अब पता नहीं है कहाँ देती है इसे, फिर इंशाल्लाह बिठाएंगे बहुत जल्द और इससे इसकी ब्रीड हासिल करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये इस टाइम बैठे हुए हैं आराम से, और ये पिजन्स वगैरह भी यार बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। उन्होंने ना इस जगह पे कब्ज़ा कर लिया, उन बेचारों को ना जगह नहीं देते, उनकी बेचारों को ना जगह बनानी पड़ेगी। और यार कबूतर का बच्चा बहुत जल्दी हैंड टेम करना है, और ये कबूतर वगैरह भी आराम से फिर रहे हैं सारे अंडों पे, दुलारी के बैठे हुए मज़े से। पैरट्स भी अपनी मस्ती में मस्त हैं, आपको फिंचेस की अपडेट देते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं फिंचेस ने कितना सारा नेस्ट बना लिया है, ये इन्होंने नहीं बनाया, मैंने बनाया, मजाक कर रहा हूँ। तो इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, फिर मैंने कहा था ना अगर ये बनाना स्टार्ट करेंगे तो मैं खुद ही ना इनके नेस्ट में ना डाल दूंगा चीज़ें। और ये कल रात सारा टाइम इस नेस्ट में बैठी हुई थी, काम कार्रवाइयाँ कर रही थी, तो नहीं क्या कर रही थी। बाकी इस टाइम ये नेस्ट में जाएंगी, इसकी सेटिंग शेटिंग करेंगी, और इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्द ना ब्रीड करेंगी, फिर इंशाल्लाह इनका बच्चा हैंड टाइम भी करेंगे। इनका बच्चा गर्मी में ही हैंड टाइम हो सकता है, सर्दी में तो फिर बड़ा मसला बनेगा, ब्रूडर भी चाहिए होगा, चीज़ें चीज़ें भी चाहिए होंगी उसके लिए। तो अभी कुछ ये सूरत हाल है ना, इस सारी जगह पे ना छिड़काव कर दिए, ताकि ना कल जब हल चलाना तो ये जगह गीली गीली और धूड़ ना उड़े, और अच्छे से ना वो हल चल जाए, गोड्डी वगैरह जो होती है वो हो जाए। और जाल मुझे देख के ना बहुत खुशी हो रही है। अब तो मुझे एक ही चीज़ का इंतज़ार है, मार्च का, क्योंकि मार्च में पौधे भी उगते हैं और बर्ड्स ब्रीडिंग करते हैं, और हर जगह हरियाली, परिंदे वगैरह घोंसले बन रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, मज़ा ही आ जाता है ना वो देख के। बस अब उसका इंतज़ार है, और यहाँ पर हल चलाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और ये डोर होगा इसका, ये भी लगा लूँगा मैं जैसे ही ना लाइट आएगी ना, ये सुराख किया मैंने इसे और बड़ा करके ना, इसमें पेच लगा के और वो ना लगा लेंगे। और बाकी ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, जाल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके अलावा ये सारे कुछ फेर रहे हैं, और इंशाल्लाह मस्कवी एक दो दिन में ना एग ले करने वाली है। देखें मस्कवी ने जगह भी बनाई हुई है, मस्कवी को इंशाल्लाह बिठाएंगे एग्स पे, बच्चे निकलवाएंगे, मज़े करेंगे। और ये यार बनाना है, ये जो ये है ना केज इनका,
ये बनाना टाइम ही नहीं मिल रहा ना, बस इन्हीं कामों में लग जाते हैं। अब जाल को लगाते हुए पूरा दिन लग गया मुझे, और मैं आपको सही से दिखा भी नहीं सका। दिखाया तो है मैंने किस तरह लगा रहा था, लेकिन मैं सही से नहीं दिखा सका। बाकी इस टाइम हर चीज़ अपनी मस्ती में, वाइल्ड बर्ड उधर दाना पानी खा रहे हैं उस जगह पे, और मुर्गियाँ वगैरह इस टाइम मस्ती से फेर रही हैं, तोते भी बैठ के मस्ती कर रहे हैं। और ना इंशाल्लाह नेचुरल एवरी को सेट करना है कुछ दिन में, ड्रिल मशीन आई हुई है ना, उसकी वजह से अंतर ब्रीडिंग बॉक्स, मटकी वगैरह, टोकरियाँ और डंडे वगैरह फिट कर देंगे, जिस पर बर्ड्स वगैरह आके बैठेंगे। और इंशाल्लाह पौधे भी यहाँ लगाने हैं काफ़ी सारे। और बस आज की यही अपडेट है दोस्तों, और भी काफ़ी सारे काम शाम में करता हूँ, इन सबको क्लोज़ भी करना है। फाइनली दोस्तों काम मुकम्मल, पूरा काम मुकम्मल। ये देखें यहाँ से मैंने इन जॉइंट कर दिया कपड़े और इसको, ये दरवाज़ा बन गया। ये देखें इधर से मैं आया जाया करूँगा, और फिर इस तरह क्लोज़ कर दिया करूँगा। इधर क्लोज़ के लिए ईंटें हीटर रख दूँगा ना, फिर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मेरे मुर्गियों के एंटर होने की कोई जगह नहीं है, वहाँ से शायद ही मुर्गियाँ एंटर हों, अगर वहाँ से भी हुई ना तो वहाँ भी एक तरीका है मेरे पास, वो कर दूँगा। तो दोस्तों आज ये काम मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये काम मुकम्मल हो गया, और बहुत ही ना खुशी हो रही है। कल इंशाल्लाह हल चलाएंगे, अब बस देखते हैं क्या करना है। अब आपके ना सामने देख लें, बस अब पिंचज़ वगैरह भी आ गए हैं, बस अब सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, बेल आइकन को ऑल पे करें, वीडियो को लाइक शेयर प्यारे प्यारे कमेंट करें। और इनके लिए भी फीड तैयार करनी है, ब्रीडर फीड होती है वो मैं तो आपको बताऊंगा कैसे तैयार करते हैं, जिससे मस्कवी डक अच्छे अंडे ले करेगी, अच्छे एग्स ले करेगी, और हमें बहुत सारा बेनिफिट होगा उससे। तो इंशाल्लाह वो भी आपको 2 दिन में बताऊंगा क्या करना है, क्योंकि अब मस्कवी डक आ रही है एग ले पे, और आपको बताना है कि इन्हें क्या चीज़ें यूज़ करानी है। फिर दोस्तों मुझे आज के लिए दे इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपने प्यारों को भी दुआओं में याद रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें, अपने आप को भी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। और दोस्तों खुश रहा करें, हमारे इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग देखते रहें, सब्सक्राइब कर दें, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी मोटिवेशन बन जाती है वो हमारे लिए, और बेल आइकन को ऑल पे करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। वीडियो को लाइक शेयर अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत कमेंट करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।